सोचो अगर वो जिसने तेरा बोन चीना वो दे कर तेरे को इस वक्त क्या बोलेगा तुम उनको, लानत तेरी जगह पे। और वो एक वीडियो वायरल हुई थी, देखी होगी आपने भी, वो एक लड़का था उससे छीनने वो रोने लग गया, वो तुम था। अफसोस ये रह गया बस, उसने बच्ची बच्ची की तस्वीरें थी यार, बच्ची के नंबर थे उसमें। बबलू अड़े आटने को तो अपने पोस्ट गुम करो भाई, कराची ख्वाबों का शहर, रोशनी का शहर, लेकिन एक शहर का मसला भी है, मोबाइल चिन जाता है मेरा भाई। बहुत सारे लोगों का मोबाइल चिन है भाई, बहुत सारे लोगों का अपना अपना कहानी है, आओ पता करते हैं किसका फोन कैसे चिन है। आओ आशा रे भाई, मोबाइल चिन है कभी? जी बिल्कुल चिन है। कैसे क्या हुआ क्या था ये पूरा सीन बताओ, हुआ क्या था? हुआ ये था कि मैं दो दरिया पे व्हीलिंग कर रहा था, मतलब मस्तियां कर रहा था बाइक के साथ, तो उसने बोला बन के जा रहा है वन व्हीलिंग कर रहा है। अच्छा फिर तो उसने बोला कि आओ रेस लगाएं, एक लड़के आए दो बोलते आओ रेस लगाएं, मैंने बोला चलो ठीक है। उन्होंने बोला सामने दीवार तक जाना है। कितना दूर था दीवार? दीवार था मतलब डेढ़ किलोमीटर था दीवार, मतलब इतना कोई फासला नहीं था। कितने शर्त लगा था? 1000 रुपए की बोलता है रेस लगाते हैं, सिर्फ जाना ही है उधर, वापस नहीं आना। मैंने चलो ठीक है, रेस था जी। अच्छा उसने मेरे साथ भगाई गाड़ी में, जब आके वहाँ पे दीवार के पास रुका, मैंने ला भाई 1000 रुपए दे, वो दो लड़के थे पीछे, लेने उतर के मेरे को पिस्टल तो नहीं मेरी सेहत देके मुझे चमाट ही मारी। ना करो, थप्पड़ में लूट के गए, थप्पड़ में लूट के गए। फिर क्या थप्पड़ मारा? थप्पड़ मारा फिर कान पे मारा, मैंने बोला दूसरा नहीं मारना। अच्छा जो चीज चाहिए बता मैं देता हूँ। क्या 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 मांगा उसने? वॉलेट था। अच्छा, जो भी मांगो दे देता, मना नहीं करता भाई। नहीं ऐसी कोई चीज नहीं देता भाई। बाकी वॉलेट था, बाकी मोबाइल था, वो ले लिया उनने। तो वापस फिर मैंने बोला कि अब रिश्ता करा के जाना पड़ेगा। बाइक भी ले गया क्या? बाइक भी ले गया, दो थे ना बताया, तो मोबाइल चमाटे वमाटे मारी और बाइक भी छीन ली। फिर तुम वापस रक्षा करा गया है? रक्षा करा के ऊपर से घर से पैसे लाके फिर कराया भी घर से लाके दिया। भाई ये अर्तुगरुल गाजी के फौज का एक बंदा आ गया है, क्या नाम है तेरा? इरशाद। इरशाद गाजी, इरशाद गाजी ये बताओ कभी पहुंचना तेरा फोन? यार छीना था एक मरतबा मेरे पास, छोटा मोबाइल था 1200 वाला ना, वो तो चिन्ना नहीं हुआ ना। अच्छा चलो फिर भी 1200 का मोबाइल था, फिर क्या हुआ? 1200 का मोबाइल था जो है ना, वो छीनने आए मेरे से लड़के थे। लड़के थे तो सामने पुलिस वाले खड़े हुए थे, तो उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने फेर मारा, तो पुलिस वालों ने लड़कों ने नहीं लड़कों ने पुलिस वालों ने मारा फेर मारा, और लड़कों से मोबाइल जो है ना उनका गिर गया, टच मोबाइल। मेरे पास तो 1200 वाला था, उन लोगों के पास आईफोन था, वो गिर गया, वो मैंने उठा के जेब में डाला, घर में चला गया। यार ये होता है जब क्या किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे हुए को कुत्ता काट लेता है। मेरे पास खुद 1200 वाला मोबाइल था, वो आईफोन मेरे को मिल गया, छीनने आए थे छिनवा के चले गए। ये होता है किस्मत भाई। तुमने भी कभी आया ना तो इस तरह करो भाई, पकड़ लिया करो, सही है ना? पकड़ लिया करो भाई, डरा नहीं करो, अपने पास छोटा मोबाइल रखा करो, अपने पास छोटा रखा करो, जो छीनने आए खुद ही देख जाएगा। ये भाई एक बहुत ही मासूम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाला सर मिल गया है, क्या नाम है? मोहम्मद अरसलान। अरसलान नाम है। अरसलान भाई कभी पहुंचना है? जी सॉरी, फोन पहुंचे ना मोबाइल फोन? मेरा तो इस तरीके से छीना है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मैं तो किसी लड़की ने छीना है भाई। जी भाई कैसे? फेसबुक पे फ्रेंड बनी थी, उसने मुझे मिलने बुलाया 1:30 बजे। किधर? सफारी पार्क। सफारी पार्क हम गए, वहाँ बैठे बैठे वो मेरे लिए जूस वगैरह लेकर आए, सैंडविच वगैरह, मैंने घर से बना के अपने हाथों से। मैंने कहा वाह यार, तुमने बोला यार ये तो बीवी है यार, इस हमारे का ख्याल रख रही है, केयर कर रही है मेरी। हम लोग बैठ के बातें आते करने लगे, वो इतने में मैंने सैंडविच वगैरह खाया, फिर अचानक से सर घूमने लगा मेरा, तो मैं वहीं गोद में उसकी गोद में सर रख के लेट गया। अच्छा करे ना, तो मैं लेट गया, तो फिर मैं ऐसा सोया कि बस जब मैं उठा तो मतलब थोड़ा अंधेरा हो रहा था और लड़की पास नहीं, बहुत नाजुक सूरत हाल। मैंने कहा चलो जाती है जाए, जब मैंने मोबाइल वोबाइल वॉलेट अगर चेक करा कुछ भी नहीं। देखो ऐसा किसी के साथ सीन हुआ होगा, मेरे साथ तो लड़की छीन के ले गई। भाई एक बहुत ही मासूम सा बच्चा मिला है, इससे कोई क्या छीनेगा भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, हसन। हसन नाम है। हसन कभी मोबाइल छीना है? हाँ एक दफ़ा आए थे छीनने। क्या हुआ फिर? पूरा एक वीडियो वायरल हुई थी, देखी होगी आपने भी, वो एक लड़का था उससे छीनने वो रोने लग गया। वो तुम था? नहीं नहीं। अच्छा, वो नहीं है। वो मेरे दिमाग में वो वीडियो याद आ गई, उसको छोड़ दिया था ना, फिर उन्होंने रहम खा लिया, तो मैं भी रोने लग गया, अल्लाह शायद छोड़ देंगे। फिर मोबाइल बच गया? कहाँ बच गया, बोल रहे हैं हमने भी देखी हुई है वीडियो, चल मोबाइल निकाल। अच्छा भाई कराची में रहते थे, कभी पहुंचे ना तेरा?
यार नहीं मेरा फोन नहीं चुना, फोन नहीं चुना। एक बार आए थे मेरे पास तो कोने पे खड़ा हुआ था मैं, तो वो मेरे पास जैसे ही कोने पे खड़ा कर क्या रहा था, खड़ा होता एक दोस्त का वेट कर रहा था। मेरे पास असल में बाइक नहीं थी तो दोस्त का वेट कर रहा था, एकदम आया एड्रेस पूछने के लिए, उन्होंने मेरे चेकिंग वेकिंग ली गन पॉइंट पे, लेकिन उनको मेरा फोन नहीं मिला। फोन था तेरे पास? फोन था मेरे पास। और को फोन नहीं मिला? नहीं मिला। ऐसा किधर छुपाया हुआ था? मैंने बेल्ट के नीचे छुपाया था। किधर? ये बेल्ट के नीचे, इधर नीचे है था। उसको उसने उधर हाथ नहीं मारा? नहीं मारा, उसको नहीं मिला, वो चला गया। वो चला गया। और तुम वो फोन रोज इस्तेमाल करते हैं? उसके ऊपर रातों में मूव करता है तुम? हाँ। उसी फोन पे करता है रोज? फोन धोता भी है कि नहीं? फोन धोएंगे तो खराब हो जाएगा ना। हजरत सोचो इसके फोन का क्या हालत होगा, जिस जगह पे रख रहा है। अच्छा हुआ कि वो लोग फोन छीन के नहीं गया, वरना वो लोग हो सकता था रास्ते में बेहोश हो जाए। चलो रे जाओ यार। अब भाई ये पुल जॉन अब्राहम का शनाख्ती कार्ड मिल गया, क्या नाम है भाई? अनीस नाम है। अनीस नाम है। अनीस भाई कभी पहुंचे ना कराची में? यार एक मरतबा मैं कुरंगी जा रहा था, तो वहाँ दो बंदे डेट मारने जा रहा था। नहीं नहीं, वहाँ शादी हॉल जा रहा था, शादी हॉल जा रहा था, एड्रेस मालूम नहीं था हॉल का। वहाँ दो बंदे खड़े हुए थे, उनसे मैंने एड्रेस पूछ लिया। अच्छा। मोबाइल उनको दिखाया, एड्रेस वेड्रेस उन्होंने समझाया, फोन उनके पास है, मुझे कह रहे हैं भाई तुम जाओ। मैंने कहा भाई मेरा फोन दे दो। कह रहे हैं नहीं भाई अभी तुम जाओ, एड्रेस तुम्हें समझा दिया। मैंने कहा भाई मेरा फोन तो दे दो। वो भाई पता चला वो टिकट निकल गए। पिस्तौल पिस्तौल दिखाया तेरे को? हाँ पिस्तौल निकाली भाई उन लोगों ने, पिस्तौल निकाल के बोला अभी तुम जाओ नहीं तो तुम्हें भी ले जाएंगे मोबाइल के साथ साथ। तो फिर क्या किया तुमने? फिर क्या किया भाई, फिर तो जाना था मैंने, शादी में चला गया। शादी में चला गया, अब मोबाइल कोई अफसोस रह गया? अफसोस ये रह गया बस, उसमें बच्ची बच्ची की तस्वीरें थी यार, बच्ची के नंबर थे उसमें, पर्सनल डेटा था उसमें। फिर वो उसने ढके थे तो बच्ची को फोन नहीं किया? ये अभी मालूम नहीं है फोन किया नहीं किया यार। हजरात इसलिए बोलते हैं मोबाइल में ये चीज़ें नहीं करा करो, आज तुम्हारा कल किसी और का भी हो सकता है। हाँ ये बात है, है ना? बिल्कुल ये बात। कोई मशवरा देगा लड़कों को? भाई मैं तो यही मशवरा दूंगा, अपना पर्सनल डेटा अपने कंप्यूटर में सेव कर लो, किसी यूएसबी में सेव कर लो, मोबाइल में नहीं रखना भाई। मोबाइल में नहीं रखना, वरना जो इसके साथ हुआ है वो तेरे साथ भी हो सकता है। भाई एक स्कूल का बच्चा है, ये प्रेयर हॉल आया हुआ है टोला मार्केट ट्यूशन का, कहाँ जा रहा है बैग लेके? कैंडी स्टेशन। कैंडी स्टेशन जा रहा है, क्या नाम है भाई तेरा? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान भाई कराची में कितना टाइम हो गया तेरे को? 12-15 साल। 12-15 साल, कितना फ़ोन छिन चुका अब तक? 2-3 छिन गए। 2-3 छिने? किस तरह छिने, कोई वाक्य है मज़े का? हाँ एक दफ़ा छीन के लेके गए थे, 3-4 दिन बाद मैं शादी पे गया तो वही बंदा मिल गया वहाँ पे। शादी में आया हुआ था? हाँ उसी की शादी थी, दूल्हा था वहाँ का। जिसने मोबाइल छीना वही दूल्हा था? वही मेन करेक्टर था वहाँ का। फिर फिर क्या, उससे गले वाले मिले, उसको बोला मोबाइल दे दे वरना तेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी। दूल्हा के पास ये जवान स्टेज पे गया, उसके स्टेज पे आके बोला तुमने? हाँ डायरेक्ट बोल दिया कि मोबाइल ला के दो। फिर उसने मोबाइल भी मंगवा दिया, खाना वाना भी खिलाया और एंट्री भी दे दिए। एंट्री फ्री में दी है? एंट्री फ्री में दे दी। देखो हाँ। उसके बाद गाड़ी में घर तक भी छोड़ के आई। ये जितना लोग देगा ना मोबाइल चोर, ये कान खोल कर देखो, दुनिया गोल है, कभी भी मुलाकात हो सकता है। ये किसी को मशवरा देगा भाई जो उनको मोबाइल छीन जाते, क्या बोलना चाहिए उनको? एक दिन उसका छीन रहे, एक दिन वो छीनेगा भी। छीनेगा भी। जावे अपना काम करो यार, जाओ। जिनका फोन छीनने आते हैं तुम उनको क्या मशवरा देंगे अभी? यही है कि बस कोने खांचो में नहीं जाना, मेरे से मोबाइल छीना आपसे कुछ छोड़ ना हो जाए। जाओ अड़े। एक बहुत ही मासूम सा भाई मुस्कुरा रहा है। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? नहीं नहीं, मोबाइल छीना है? मोबाइल छीना है भाई। कितनी दफा? मोबाइल एक दफा छीना है, वो ले भी गए, मैंने नया मोबाइल भी ले लिया, वो बेच के खा भी गए मोबाइल। कौन सा लिया नया मोबाइल? अब मैं बता दूंगा तो फिर वो आ जाएंगे दोबारा यार लेने के लिए। सोचो अगर वो जिसने तेरा फोन छीना वो देखा करे तेरे को इस वक्त, क्या बोलेगा तुम उनको? मैं अभी क्या बोलूं, कैमरा है, मैं उसको क्या बोल सकता हूं? मैं उसको लानत तेरी जगल पे। भाई बहुत ही मासूम सा चाचा इधर फुल टंडा टंडा हवा कर रहा, क्या नाम है चाचा? मोहम्मद अकरम। अकरम साहब, अकरम साहब ये बताओ कि कभी फोन छीना है? छीना नहीं, छीन जाता तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। छीना नहीं, वो छीना नहीं, हुआ क्या? वो हुआ पकड़ लिया लोगों ने, टिकटों को पकड़ लिया। अच्छा। उसका केस हो गया, अब कोर्ट में केस चल रहा है। मेरा 25,000 रुपए लग गया अपने जेब से। जी 5,000 का मोबाइल था, 25,000 रुपए जेब से लग गया। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा कानून है। इस मुल्क का कानून है अंधा, आंख वाले का मारा अंधा। समझ में दोबारा क्या क्या बोला? इस मुल्क का, इस मुल्क का कानून है अंधा, आंख वाले का मारा अंधा। तो अंधा क्यों मरवा रहा है आप पूछो? अंधा क्यों मरवा रहा है? अंधा अपनी मजबूरी में अपना काम निकाल रहा है। तो इस पूरे की सीन में अंधा आप है? हाँ मैं अंधा। जो लड़के इस तरह डेटों पर जाए तो उनको क्या वार्निंग देगा? भाई मेहरबानी करें मत जाया करें, ये लड़की है किसी की नहीं होती भाई, ये आपको किसी दिन पूरे उठा के ले जाएंगी।
शुक्र करो तेरे सिर्फ फोन गया है, वॉलेट गया, गुर्दे बच गए। क्या बाकी एक और चीज भी, वो भी 3 करोड़ का बेचता तेरा, वो भी बच गया। क्या पता वो भी ले गए, मैंने तो अभी तक नोट नहीं किया भाई। अच्छा नहीं क्या? खैर भाई, इसी खतरनाक कहानी के साथ भाई का हम लोग आज के एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। बोलो बिल्ले शो को सब्सक्राइब करो, बिल्ले शो को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, दोबारा बोलो बिल्ले शो को सब्सक्राइब करो। सही से बोलो, तू फंस क्यों रहा है? बोलो बिल्ले शो को सब्सक्राइब करो, बिल्ले शो को सब्सक्राइब करो। तुम भी फंस रहे, हम भी फंस रहे। मेरे साथ जो हादसा हुआ उसके बाद तो मैं फंस ही रहा हूँ हर जगह। खैर भाई, बिल्ले शो ये हम लोग खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में। साजिद बिल्ला साइनिंग ऑफ, आ जाओ तेरे को जूस पे रहा है।